केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं। इसी के चलते चलाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आज ग्रामीण महिलाओं में स्वावलंबन की इबारत लिखाई गई है। योजना के किस हितग्राही से हितग्राहियों का जीवन बदला है, आइए देखते हैं बड़वानी जिले की ग्राउंड रिपोर्ट में। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम का राज्य के हर जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। कुछ ऐसी कहानी रही है बड़वानी जिले के ठिकरी ग्राम के गणेश आजीविक सिलाई केंद्र की, जिसमें 70 महिलाएं जुड़कर अपने परिवार के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। कई बार सिलाई का अधिक कार्य होने पर 350 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं इस समूह में अपनी सहभागिता निभाती हैं। जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से 9,434 समूह की 1,08,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं बताती हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ गठित किए गए स्वसहायता समूह के कारण उनकी पारिवारिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। अब वे घर की नियमित जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ परिवार की अतिरिक्त आय का जरिया भी बनी है। इससे उनके आत्मविश्वास में तो बढ़ोतरी हुई है, साथ ही वे अपने बच्चों को भी बेहतर जीवन दे पा रही हैं। ठीकरी ग्राम के गणेश सिलाई केंद्र में काम करने वाली महिलाएं कच्चे मटेरियल की खरीदी से लेकर उसके निर्माण की बिक्री तक में अहम भूमिका निभाती हैं। जिले के 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को ड्रेस की आपूर्ति करने के साथ साथ ये केंद्र कई प्राइवेट कंपनियों के लिए कपड़ों का निर्माण करके देती है। ...2014 में हमने एक छोटे स्तर से इसकी शुरुआत करी थी। एक समूह ने इस चीज का शुरुआत करी थी 5 मशीनों से। धीरे धीरे हमारे से दीदियां जुड़ती गई, फिर हमने 10 मशीनें करी, फिर और दीदियां जुड़ती गई, फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया। आज हम 70 दीदियां एक साथ इस सेंटर के यहाँ काम करती है, और कुछ इस बड़े आर्डर आते हैं तो 350 दीदियां इस सेंटर से जुड़ी हुई है, जो पूरी ठिकरी ब्लॉक से दीदियां, जो हम घर घर भी उनको काम देते हैं। 2017-18 में हमने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 1.5 लाख टी शर्ट का काम इसी सेंटर से कंप्लीट करा। 18-19 में हमने गणवेश निर्माण का पूरे बड़वानी जिले में 5,22,356 ड्रेस बनवाई, जो कि श्री गणेश सिलाई सेंटर ने 1.5 लाख ड्रेस यहाँ से सिल के दे दी। पहले हम जो मिस्टर सेंचुरी में काम करते थे उसके ऊपर ही गुजारा करते थे, और समूह में जुड़ने के बाद मैं खुद कमाने लग गई हूँ, तो मेरा और उनका दोनों का पेमेंट आने के बाद बहुत सारा सुधार आ गया है परिवर्तन अपने जीवन में। और अभी सेंचुरी बंद होने के बावजूद भी मेरे मिस्टर घर पे है, फिर भी मैं सिलाई सेंटर में काम करके और आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद इतना कमा लेती हूँ कि हमारा परिवार हम आजीविका मिशन की कमाई पे ही चला रहे हैं। समूह से जुड़ने के बाद मुझे इतना फायदा हुआ है कि मैं पहले मतलब गृहिणी का काम करती थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि अपन बाहर जाके अपन भी कुछ काम कर सकते हैं। फिर मैं समूह से जुड़ने के बाद मैं सिलाई सेंटर में काम करने आई, तो उसके साथ साथ मैं और थोड़ा बहुत पापड़ भी जानती थी, तो वो मैंने पापड़ का भी चालू करा। इस तरह से मेरे घर के हालात भी अच्छे तरह से हो गए और मेरे बच्चों को भी मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। हमारे यहाँ देखा जाए तो जो आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके माध्यम से जो इनका मेन उद्देश्य है कि हमको सक्षम एवं सशक्त संस्थाओं का निर्माण करना, और साथ में इनकी बेहतर आजीविका, इनकी निरंतर आजीविका, सस्टेनेबल आजीविका कैसे बने, उन गरीब परिवारों को मदद करना। इसमें हम गरीब परिवारों की दीदियों के समूह बनते हैं, महिलाओं के समूह इसमें बनते हैं। हमारे ज़िले में अभी तक 9,434 समूह बन चुके हैं, जिनमें से 1,08,000 से ऊपर दीदियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग तरह की गतिविधियाँ कर रही हैं, व्यक्तिगत गतिविधियाँ भी कर रही हैं, उसके आधार पर वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जैसे अभी देखा गया है कि हमने पिछले साल गणवेश सिलाई को लेकर हमारे यहाँ 1,000 दीदियाँ सिलाई सेक्टर में काम कर रही हैं, जिनमें से एक हमारा सबसे बड़ा सशक्त जो सिलाई सेंटर है वो है गणेश सिलाई सेंटर, जिसमें से दीदियों ने, वहाँ पर जितनी भी दीदियाँ हैं वो सिलाई का काम बहुत बेहतरीन ढंग से कर रही हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी खूबी उनमें ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर से भी काम के आ रही हैं,
आज जो महिलाएं गरीब थी वो अपनी गरीबी से उठकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ये काम कर रही हैं और अपने घर परिवार का पूरा खर्च उठा रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, उनका अच्छे से घर का अपना ध्यान रख रही हैं। हमारे यहाँ करीब सिलाई सेंटर जो चल रहे हैं उसमें प्रत्येक महिला की जो इनकम है वो 10 से 15 हज़ार रुपये मासिक वो करने लग गई है। इस कार्य को जितनी भी गतिविधियां संचालित है उनको लेकर के उन दीदियों को हमने भ्रमण करवाए हैं, बाहर के प्रदेशों में गए हैं, उनको अच्छी नई नई तकनीक की ट्रेनिंग्स दी हैं और आज उनको मार्केट का ज्ञान है, वो खुद जाकर अपना माल खरीदती हैं, बेचती हैं और अपने लिए नए नए अवसर खुद तलाश कर रही हैं और आज की नई तकनीक के माध्यम से वो अपना कार्य कर रही हैं।